सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आयोटा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और मैं मनीष आपको इस चैनल के थ्रू सेंटर ऑफ मास के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे कॉम्पिटिशन ऑफ बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम एक क्वेश्चन देखने हैं। क्वेश्चन है, थ्री पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट थ्री कॉर्नर्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ये मेरे है ना 1.5 kg, 0.5 kg, 1 kg को एक राइट एंगल ट्राइंगल 3 cm, 4 cm, 5 cm वाले ट्राइंगल पे रखा हुआ है। क्वेश्चन पूछा है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कितना होगा। तो यहाँ पे क्या किया जाए, ओरिजिन सेलेक्ट किया जाए। तो ओरिजिन हमने कहाँ सेलेक्ट किया, ये रहा ना, ये राइट एंगल बना हुआ है वहाँ हमने ओरिजिन सेलेक्ट किया है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए जाएं, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया मेरा 4, 0 और ये कोऑर्डिनेट हो गया मेरा 0, 3 और ये तो 0, 0 है ही। अब क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, m1 r1। तो m1 हो गया 0.5, r1 है 0 i कैप प्लस 0 j कैप। वैसे ही m2 r2, तो m2 r2 क्या हो जाएगा, 1 × 4 i कैप प्लस बना हुआ है 0 j कैप प्लस m3 r3, डैट इज 1.5 × 0 i कैप प्लस बना हुआ है 3 j कैप डिवाइडेड बाय पूरे सिस्टम का मास। लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस 0.5 प्लस मेरा 1.5 करते हुए। अब क्या किया जाए, यहाँ से सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो 4i है ना, यहाँ तो बचा 4i और वैसे j में बचा आपका सीधा 1.5 × 3 इज 4.5 j कैप और डिनोमिनेटर में कितना आ गया, डिनोमिनेटर में ये चीज़ निकल के आई मेरी, यहाँ पे हो गया 2 + 1 = 3। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4/3 i कैप प्लस 1.5 का j कैप करते हुए। तो हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास इससे कोऑर्डिनेट किस पॉइंट पे होगा, 4/3, 1.5 करते हुए। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट जरूर ले। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने, ब्लॉक ए ऑफ मास 4m। इस ब्लॉक ए का मास कितना है, 4m है। लिखा है इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ वेज बी ऑफ बेस लेंथ आपका L, इसका बेस लेंथ कितना है L एंड इसका मास दिया हुआ है 20m। इस B ब्लॉक का मुझे मास दिया है 20m। व्हेन सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इस सिस्टम को छोड़ा जाए तो ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करके आएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जब ये नीचे स्लाइड करके आएगा तो ये इस वेज पे आगे के डायरेक्शन में फोर्स डालेगा। तो ये जब वेज पे आगे के डायरेक्शन में फोर्स डालेगा तो ये वेज आगे मूव करेगा और ये ब्लॉक आपका नीचे स्लाइड करेगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द वेज, है ना, ये वेज कितना डिस्टेंस मूव किया, ये डिस्टेंस मुझे पूछा गया है जो पहले ओरिजिन पे था, ये कितना डिस्टेंस मूव किया। ये डिस्टेंस हमसे बात किया जा रहा है टिल द ब्लॉक रीचेज एट द एंड ऑफ द वेज, जब ब्लॉक इस वेज के एंड पे पहुंच जाए उस केस में हम बात कर रहे हैं। अज्यूम ऑल सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, सारे सर्फेसेस हमारे क्या हैं, फ्रिक्शनलेस हैं। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा, ए बी पे जो फोर्स लगा रहा है वो इंटरनल फोर्स है। तो हम बोल रहे हैं सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स, है ना, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन सिस्टम, है ना, तो हम बोल सकते हैं इनिशियल जो सेंटर ऑफ मास है और फाइनल जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, है ना, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई फोर्स लगता तो वो फोर्स उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास को मूव कराता, पर यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो यहाँ पे हम दोनों का सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे, 0। अब लेट से हम बोलते हैं इस 20m का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, डैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स बी। तो मैं यहाँ x है ना सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट में बात करूंगा, इस सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या आएगा, 20m जो मास है वो तो x कोऑर्डिनेट उसका कितना बना हुआ है, उसका सेंटर ऑफ मास बना हुआ है xb करके,
और मेरा ये जो 4m है इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना बना हुआ है, 4m का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट बना हुआ है l, ये यहाँ पे होगा एट द एंड ऑफ विच, तो ये डिस्टेंस आपको बेस लेंथ l दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है पूरे सिस्टम का मास, दैट इज 24m। ये तो इनिशियल हो गया है ना, ये इनिशियल हो गया। फिर फाइनल बात करते हैं, तो फाइनल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो 20m मास होगा, ये डिस्टेंस मुझे कितना पता है एक्स बी करके, और ए का सेंटर ऑफ मास कितना हो गया अब x हो गया, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं फाइनल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकल के आया, तो 20m जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, x प्लस एक्स बी, तो 20m का तो मैं लिख सकता हूं ये आया x प्लस एक्स बी, और जो 4m का सेंटर ऑफ मास है उसका x डिस्टेंस है आपका सीधा x करते हुए, डिवाइडेड बाय पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना होने गया 24m। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट जो होगा वही सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट इनिशियल ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनल भी वही रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। तो यहाँ से हम अब इनके डिनोमिनेटर तो दोनों सेम है तो न्यूमरेटर इक्वेट करते हैं, तो ये बन क्या है मेरे पास 20m into xb, फिर मैं लिख सकता हूँ प्लस 4m into l is equal to, अब वैसे इसको इक्वेट किया गया है तो ये लिखा हुआ है 20m into x plus xb, फिर मेरा बना हुआ है 4m into x, तो प्लस 4m into x, अब क्या कर रहा हूँ 20mxb से 20mxb गया, यहाँ 20mx प्लस 4mx, तो राइट साइड में बना हुआ है 24m into x और लेफ्ट साइड में बना हुआ है 4m into l करके, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ यहाँ से m से m गया तो x is equal to 4l by 24, तो मेरा x कितना निकल गया आ गया l by 6, तो मैं बोल सकता हूँ कि जब ये वेज ना पे ये ब्लॉक स्लाइड करके आएगा तो ये वेज कितना डिस्टेंस मूव किया वो x मेरा वैल्यू कितना आया l by 6, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एन आइसोलेटेड पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल xy प्लेन अलोंग x एक्सिस, तो कोई मास m है वो मूव कर रहा है x एक्सिस में, x एक्सिस में मूव कर रहा है मतलब इसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट कितना होगा जीरो, इनिशियल y कोऑर्डिनेट। अब लिखा है एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इट सडनली एक्सप्लोड्स इनटू टू फ्रैगमेंट्स ऑफ मासेस m by 4 एंड 3m by 4, इस पार्टिकल को a कह देता हूं और इस पार्टिकल को b कह देता हूं, तो यहाँ पे लिखा है एन इंस्टेंट लेटर स्मॉलर फ्रैगमेंट इज एट 15 सेंटीमीटर, स्मॉलर फ्रैगमेंट मतलब m by 4 वाला मास वो उस वो आपका प्लस 15 सेंटीमीटर पे है, मतलब उसका y कोऑर्डिनेट m by 4 वाले का ये a है a बॉडी जिसका मास है m by 4, इसका y कोऑर्डिनेट कितना x कोऑर्डिनेट चाहे जो भी हो उससे मतलब नहीं है ना x1 लेट से, और इसका y कोऑर्डिनेट है प्लस 15, मुझसे पूछा गया है एन इंस्टेंट लेटर स्मॉलर फ्रैगमेंट इज एट y इक्वल टू प्लस 15, फाइंड पोजिशन ऑफ हेवियर फ्रैगमेंट एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे हेवियर फ्रैगमेंट कहाँ पे होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं हेवियर जो फ्रैगमेंट होगा ठीक है एक्सप्लोजन के बाद लेट से वो आपका इस बी मास यहाँ पे आ जाता है 3m by 4, वो आपका x 1 कॉमा लेट से कितने पोजीशन पे हो जाता है y पोजीशन पे, तो हम बोल सकते हैं फिर से सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स f एक्सटर्नल इक्वल टू 0, तो इनिशियल सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है ना इज इक्वल टू क्या बोला जा सकता है सेंटर ऑफ मास का फाइनल का y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, तो इनिशियल सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट कितना है आपका 0, फाइनल सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट अगर सिस्टम का बात करूं तो इसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट आएगा इज इक्वल टू m1 है मेरा m by 4 और y1 है प्लस 15 प्लस m2 y2, दैट इज 3m by 4 into y divided by सिस्टम का मास इज m। अब क्या कीजिए यहाँ पे पुट कर दीजिए इसे, तो दिस इज 15m by 4 प्लस
ये बना हुआ है 3my/4 डिवाइडेड बाय टोटल सिस्टम का सेंटर है ना m हो गया, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 इज इक्वल टू ये बन क्या है 15m + 3my, यहाँ से y की वैल्यू आ गई -5। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो दूसरा पार्टिकल होगा वो ये अगर x1, 15 पे है तो ये x1, -5 पे होगा, x1, -5 पे होगा। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें। तो स्टूडेंट ये थे हमारे सेंटर ऑफ मास के कुछ क्वेश्चन, होप आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएँ ताकि ऐसे डेली अपडेट्स में हम आते रहें, आपको वीडियोज़ देते रहें और आप इसका घर बैठे बैठे कॉम्पिटिशन्स क्रैक करते रहें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।